भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के बयान से मचा सियासी घमासान। कांग्रेस ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से मांगा इस्तीफा। आपको बता दें कि लंदन में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत से रवाना होने से पहले मैं वित्त मंत्री से मिला था और निपटारे की पेशकश की थी और उस समय वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़। 3 संदिग्ध आतंकी हमला कर जंगल में भागे, सेना को बड़ी साजिश का शक। प्रधानमंत्री मोदी की इंदौर यात्रा से पहले उन पर आतंकी हमले का खतरा। सुरक्षा एजेंसियों को खबर मिली है कि आतंकी महिला का रूप धर कर सकते हैं हमला। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को इंदौर में बोहरा समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज घोषित किए जाएंगे डूसू चुनाव के नतीजे। बुधवार को इसके लिए वोट डाले गए थे। राजधानी के कॉलेजों में 52 केंद्रों पर हुआ था मतदान। चुनाव में कुल 23 उम्मीदवार खड़े हुए थे। बुधवार को राहत के बाद आज फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 81 रुपए और डीजल 11 पैसे की बढ़त के साथ 73.08 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल 88 रुपए तो वहीं डीजल 77.58 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है।